जी अस्सलामुअलैकुम जी। ये मदीना में एक रेफरेंस से मैं एक ये खजूरों के जो बाग हैं, मैं वहाँ पहुँचा हूँ खजूरें लेने। अब देखते हैं यहाँ के अंदर क्या मिलता है हमें। ये खजूरों का बाग है, बाकी अंदर से मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जी ये हम खजूरों के जो मदीना में बाग हैं। जी यूसुफ नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। तो कीर साहब ने आप माशाल्लाह जी, किस तरह जाना हमने? इधर ये बाग है, पीछे बाग देखो। अच्छा, बाग की वीडियो करनी है बस मैंने। ये बाग खजूरों का जी माशाल्लाह बाग है, ये देखें जी मदीना में खजूरों का बाग। आ जाएं, चलते हैं। चेक करें जी खजूरों का बाग मदीना में, मदीना शरीफ में खजूरें ही खजूरें। एक रेफरेंस से यहाँ पहुँचे हैं। खजूरें लगी क्या हुई हैं? अभी बूर पक रहा है, बूर अभी तो। अच्छा, अभी पक रहा है। आप यूसुफ साहब पाकिस्तान के हो? कहाँ से? हम लोधरा के। तो कितने साल से यहाँ में हो? यहाँ हो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपको। अच्छा, बाग बाग ठंडा है? कुआं अच्छा, जो कुआं चल रहा है। ये कितनी जमीन पे है ये बाग सारा? अच्छा, 2200 क्या है? अच्छा, 2200 दरख्त है इसमें। 2200 दरख्त है जी इनका यहाँ। अच्छा 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 2200 दरख्त है इसमें। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह, ये सारा पानी चल रहा है, हर तरफ पानी लग रहा है। ये कुआं देखने के लिए नीचे। अच्छा, ये कुआं है, जमीन का पानी है। अच्छा अच्छा ये जमीन का पानी है। ये जी मदीना शरीफ की जमीन में से जो पानी निकल रहा है, ये जमीन वाला पानी है। ये कुआं है आगे, ये मैंने बंद किया हुआ है। हाँ, ये देखें, ये जमीन का पानी है। अगर और गर्मी होती ना तो लाजमी नहाते यहाँ, जितनी यहाँ गर्मी होती है। लेकिन आज इतनी भी गर्मी नहीं है, जुमे का दिन है, और गर्मी होती तो लाजमी नहाते। चलें जी, क्या चीज़ है? अच्छा 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 माशाल्लाह से जी मदीना की खजूरों वाला बाग भी देख लिया हमारे बड़े प्यारे जानने वाले जी तुकीर साहब। तुकीर साहब के रेफर, वो खुद यहाँ इससे वो होते मदीना में ही हैं, लेकिन खुद इससे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने अपने किसी जानने वाले को भिजवा के मुझे यहाँ पहुँचाया कि आप खजूरें वगैरह यहाँ से ले लो। डायरेक्ट जो खजूरों का बाग है वहाँ से खजूरें लेंगे जी। हाँ, मैं लाहौर से। अच्छा यूसुफ भाई, ये कौन कौन से खजूर है यहाँ जो लगी हुई आपके पास? 7 नस्ल। अच्छा, 7 नस्ल। ये जो अरबी नस्ल होती हैं जी, जी, जो है ना नाम का। तो ये बाग का मालिक कौन है? ये सऊदी है। अच्छा, सऊदी है। ये बिन लादन कंपनी ने? हाँ, बिन लादन उनका है। अच्छा जी, इस बाग की जो खजूरें हैं वो यहाँ सारा ये पैक वगैरह कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये अजवा खजूर है, लेकिन अभी रमजान रोज़ा है तो अभी टेस्ट नहीं कर सकते। ये माशाल्लाह से
ये अजवा पैकिंग हो रही है सेम यहाँ, ये सारे फ्रेश बिल्कुल ताज़ा बाग की, बाजार में जो पड़ी है पता नहीं कब की पड़ी होगी। ये भी, ये मुझे अंबर का शक है, ये अंबर है जी, सफाई करके रखी है। हाँ ये अंबर है जी, वो मैं कहता हूँ मुझे शक है अंबर का, जो अंबर का दाना था ना वो हमने निकाल दिया, मेरे ये साफ सुथरा इधर रख कर। अच्छा ये अंबर है, मैं बना के सारी आगे बना के फिर मैं इधर आया हूँ। माशाल्लाह से जी। हाँ जी यूसुफ भाई क्या दिखाने लगे हैं? कोल्ड स्टोर है ये। ओहो ये जी ये कोल्ड स्टोर है जी यहाँ का, ये सारी खजूरें ये देखें, यहाँ बड़ी हुई है सारी खजूरें। ओहो फुल कोल्ड है जी, फ्रीजर है फ्रीजर, ये जी कोल्ड स्टोर है इनका। अच्छा इन्होंने अपनी भी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं, अंडे सेब अपनी चीज़ें भी बीच में रखी हुई, ये देखें ये आटा शाटा। चलो जी जी अजवा ओपन हो गया, नहीं अजवा नहीं, ये अजवा है, ये अजवा है और ये है कि नहीं कलमी, ये कलमी है और ये अजवा इसी बाग की है। माशाल्लाह सर इंडोनेशियन ग्रुप आया है, ये पैक करवा रहे हैं अब यहाँ से। हो या ब्रावे न्यू आखिर किलो वाज किलो ब्रावे आज आती का पलो yang ini 30 ini berapa ini 35 जी अब आया जी अजवा का असल एक नंबर पीस, ये आप साइज चेक करें, ये देखें आप माशाल्लाह से, ये है जी अजवा एक नंबर और ये हाई क्वालिटी की अजवा, ये अब आया मजे का पीस।